हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। और साथ में अब 3D की बात करें तो 3D में तो बॉडी सरफेस पर जो आपके सिम्टम आपको नज़र आ रहे होंगे कि आपके शोल्डर पेन हो सकते हैं, और साथ में बहूँ तो आपको नींद बहुत आ रही होगी। ठीक है, बॉडी पेन हो सकती है, आपकी कमर से रिलेटेड बैक पेन हो सकता है, कईयों के अपर वाली बॉडी पेन हो रही है, कईयों के नीचे वाली। ठीक है, लोअर अपर दोनों में हर किसी को अलग अलग टाइप से पेन हो रहे हैं, लेकिन बॉडी में बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ वीकनेस है, मतलब कि वीकनेस एक बॉडी के लेके भी कह सकते हो, जहाँ जहाँ आपके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है कि इंटरनली आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में, तो वो भी आप कैच कर रहे हो, तो मिरर करते हुए भी पेन हो सकता है। ये अभी बॉडी पे तो पेन चल रहे हैं, अपर लोअर ये सब चल रहा है, लेकिन अपने अपने वे में चल रहा है। जहाँ जहाँ वीकनेस होगी वहीं पे पेन होगा। ठीक है, अपने हिसाब से देखना, लेकिन ज़्यादातर मैं शोल्डर की बात करूँगी। शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हो और कमर भी पेन हो रही हो आपकी, बैक पेन। ठीक है जी, रूट का मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरे को नहीं फील हो रहा तब मैं बोल रही, लेकिन हाँ लोअर में भी कईयों के हो रही है। कईयों के मैसेज आए हैं कि मैडम हमारे को ये सब हो रहा है। ठीक है जी, तो फिलहाल तो ये क्यों हो रहा है वो तो अपने आपकी सिचुएशन आपको बता सकती है। अभी एनर्जी अपडेट जो शुरू करने जा रही हूँ तो देख लेना, अगर ये सिनेरियो आपसे मैच हो रहा हो तो आप देख लेना। ठीक है जी, तो फिलहाल आपके पार्टनर कुछ कार्मिक लोगों को लेकर परेशान है। कार्मिक इन द सेंस मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स, या आप खुद ही हो, या डीएम एनर्जी में आपने शिफ्ट किया हो, तो आपके पेरेंट्स को कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हों जिनको लेके आपके जो डीएम है या वो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई प्लान्स हों जो उनकी वजह से, या आपके मिलने का प्रोग्राम हो आपके पार्टनर का, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, वो ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, कोई भी ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा हो जो एक प्रॉब्लम थर्ड पार्टी के द्वारा क्रिएट तो नहीं कहूँगी, ये डिवाइन की मर्जी से ही है, उन्हें उनकी सज़ा मिल रही है। ठीक है, उन्होंने एक कर्म आपके साथ क्रिएट किया हुआ है जिनको उन्हें भी पे करना है। अगर वो आपके बीच में ब्लॉकेज बन रहे हैं तो ब्लॉकेज के तौर पे उनके साथ डिवाइन उन्हें तकलीफ दे रहा है थर्ड पार्टी को। अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम में है तो भी आपके अगर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हैं उनके ऊपर, या प्रायोरिटी उनको देते हों, तो इस वजह से वो ब्लॉकेज भी क्रिएट हो रही है। ये मेरा मतलब है कि डिवाइन अपनी तरफ से उन्हें एक टेस्ट भी कह सकते हो कि उन्हें अब वहाँ पे उलझना है या अपनी डीएफ की तरफ फोकस करना है। वो अब आपके डीएम साहब जो भी होंगे या डीएफ होगी, वो अपने हिसाब से देखना कि यहाँ पे दोनों को ही इस रूप में एक डिवाइन टेस्ट के तौर पे फंसाया जा रहा है। अब वो देखते हैं जो जैसा सक्सेस हो पाएगा। अगर अपनी डीएफ की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो तो भैया तो उनको तो प्लस पॉइंट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जर्नी के लिए जिस काम या पर्पस के लिए हम आए हैं वो ही काम हम पहले प्रायोरिटी अपने पर जर्नी को देना है। ठीक है जी, थर्ड पार्टी थर्ड डीडी के हिसाब से तो सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब 5D लेवल से भी हमें अपने पर्पस को भी आगे बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से हमें काम करना होता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बर्डन ले रहे हैं, वहाँ पे उन्हें क्राइंग एनर्जी भी DFDM को हो रही होगी, क्योंकि वो दोनों में इस टाइम इस तरीके से फंसे हुए हैं कि ये काम भी पूरा करना है तो ये भी करना है, दोनों को बैलेंसिंग करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये इस टाइम सिचुएशन ही ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ को लेके, या उन्हें कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को मजबूर कर दिया गया है कि आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्या डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपका अभी हो सकता है कि आपका लव एक्सप्रेस करना बाकी रह गया हो, या ब्लॉकेज बन गई हो कि आप उनको कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो भी आपके खुद के भी आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और इस टाइम टेंशन वाली आपकी डिप्रेशन वाली एनर्जी भी दिख रही है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ के अगर आपके साथ हो रहा हो तो समझ जाना कि आपके पार्टनर आपके लिए ही एक रास्ता चूज़ करेंगे जो आपको वहाँ पे निकालना है उन्होंने। ठीक है, फोकस आपके ऊपर रहेगा क्योंकि उन्हें खुद का भी डर है कि मैंने अगर कमिटमेंट नहीं दिया या मैं आगे नहीं बढ़ा या ब्लॉकेज बीच में रही तो मैं अपनी डीएफ के साथ आगे कैसे ग्रोथ करूँगा, तो उन्हें खुद का भी लॉस्ट ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको खोने से डर रहे हैं। बहुत जल्दी डिवाइन की तरफ से बात की जाए तो ये सब सिनेरियो के बाद आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, जहाँ पे आपकी ग्रोथ या गुड न्यूज़ आने वाली है। ये सब सिचुएशन से कोई रास्ता आपके डीएम निकाल के अपनी थर्ड पार्टी को
से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये गुड न्यूज़ है। जो इनका निचोड़ एक निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है, वो यही है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। चूज़ वन आपको ही करेंगे, जितने मर्जी प्रॉब्लम हो वो उसका रास्ता निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, उनको वहाँ तक पहुँचा देंगे। लेकिन आपके लिए वो डेडिकेट हैं, वो आपके लिए निकलने वाले हैं या निकल रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों का यूनियन होगा, जो थर्ड मैंने बोला था मई के हिसाब से। इस मंथ में आपका बैलेंसिंग होगा, बैलेंसिंग करने की कोशिश की जाएगी और खुद आपके डीएम साहब आप खुद बैलेंस करेंगे इस चीज़ को थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको डिटैच कर दिया जा सकता है इस मंथ में आपके पार्टनर से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिनेरियो है जो कि बैलेंसिंग का है। अगर उन्हें खुद से ही एफर्ट नहीं करने दिया जाएगा तो आप तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप तक पहुँचना ही है। लेकिन वो अपने वैसे किसी में इसको जरूरत, उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं दी जाएगी, ना उनको सपोर्ट दिया जाएगा, उनको अकेले छोड़ दिया जाएगा ये वाले मंथ में, ठीक है जी। ये जो 6-6 का पोर्टल है ये इसीलिए बना है जो कार्मिक सिचुएशन से निकालने के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल, अकेले में उनको खुद का कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट करेंगी तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन्हें आपसे डिटैच कर दिया जाएगा। तो कोशिश करो जितना साइलेंट रहो, उनकी हेल्प ना करो इस टाइम, उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दो। जो वो फ्री होके करेंगे, माइंड फ्री होके करेंगे, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि थर्ड पार्टी के फेस रिवील होंगे, अगर कोई यहाँ पे उन्होंने कोई क्रिएशन की हुई हो ऐसे तरीके की, ये झूठ भी बोल रहे हो, तो सब पर्दाफाश हो जाएगा, ठीक है जी। आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके डीएम निकलेगा, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। और जिनको ये पोर्टल बुक करवाना हो वो ज़रूर लीजिएगा। इस पोर्टल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो आज लास्ट डेट है, मतलब आज नाइट से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिनको भी बुकिंग लेनी हो अभी आप ले सकते हो, 8 बजे तक का टाइम है। और इसमें बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट डिमेंशन प्लस अर्थ की फ्रिक्वेंसी, जो अपने अर्थ पे इतना कुछ हो रहा है, आपको मदर अर्थ के साथ जोड़ा जाएगा, जो आप उनकी हेल्प कर पाएंगे इजीली। और मर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमारे को होती हैं वो आप उस पर विजय पाओगे। मतलब ये आपको मदर अर्थ के साथ जोड़ा जाएगा। कुछ मदर के अंडरग्राउंड से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें डायमेंशन दिए जाते हैं, वो भी हमें अचीव करने होते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट डायमेंशन मदर अर्थ से रिलेटेड है, इसलिए इस बार मदर अर्थ का ही डायमेंशन दिया गया है आपको। जिनको लेना हो वो अपना जल्दी से जल्दी बुकिंग करवाएं। तो अभी तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।